चल रहे हैं जोड़ी हमें के जनरल स्टोर पे काफ़ी ज़्यादा प्यारी चीज़ें यहाँ पे मुख्य काफ़ी पुलिस वाले हैं और वो आगे बुलेट वाला जा रहा है भारी होगी तो उससे पहले जो है हमने खाना तो मिक्स करना शुरू कर दिया आंटी ने हाथ से रोल करते हुए रोटियाँ बन चुकी हैं अब तो मेरे को आगे से करना लॉक ये बन के तैयार हो चुकी है हमारे पास देख पा रहे हो अस्सलामुअलैकुम वैसा भी हो चुके हैं 3:30 तो अभी उठना है मुझे और उठ के पहले करनी नमाज तो फिर तब तक सही का टाइम हो जाएगा फिर सही करके तो फिर आपसे मिलते हैं हम तो रमज़ान की पहली सही सबको मुबारक हो सही हो चुकी है तो स्वागत आप सबका एक नए फ्रेश व्लॉग में तो गाइस एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और लाइक शेयर कर दो तो आज 11:30 तो अभी जाना है जरूरी कुछ काम से मैंने एक सलाद भी लेनी है कपड़े की तो साथ में बाइक को सामान लेना घर के लिए तो चल रहे हैं जोरी दिखाते हैं आपको सर क्या है कपड़े भी दिखाऊंगा क्योंकि कपड़े भी आपके सरप्राइज़ है दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह जब सिल के आ जाएंगे दिखाएंगे आप चलते हैं फाइनली कपड़े की शॉप पे पहुंच चुके हैं अंकल जी दिखा लेंगे कपड़े 108 सलवार में कपड़ा ले लिया तो अभी जा रहे हैं किराने शॉप पे घर के सामान लेना है हमें के जनरल स्टोर पे देख पा रहे हो भैया अंदर गए हुए हैं लाना है तो गाइस अभी हमें कपड़े ले लिए तो जा रहे हैं हम क्या नाम किराने शॉप की शॉप पे खड़े हैं यहाँ सामने हम तो यहाँ से लेना है घर के सामान के लिए 200 आलू ने पैसे कटे हो तो गाइस सामान ले लिया हमने वापस आ रहे हैं सोन उठाए भाई जाके तो मेरे पास हेलमेट थी तो इसलिए उन्होंने उठाया अभी जो काफ़ी ज़्यादा धूप भी है देख पा रहे हो रोज़ा भी आज काफ़ी तंग भी हो चुके हैं पड़ती हुई सामान ले लिया हमने देख पा रहे हो कि डाला हुआ तो निकले संगे लिए मार्ट के लिए सो गाइस अभी घर का सामान तो हो चुका है हमारे लिए अब जा रहे हैं संगेरिया मार्ट वहाँ से हम ले लें हमें चावल तो उसके बाद निकलेंगे अभी हम जो है पहला कॉलोनी रुपये जो है वहाँ से निकल रहे हैं हम सो ये रहा संगेरिया मार्ट पहुँच के मार्ट में गाड़ी लगी हुई हमारी सामान और लेना हमने भी तो अभी हम संगेरे मार्ट में हैं सुबह अभी मैं संगेरे मार्ट के अंदर मेरे कुछ अभी बढ़िया स्टॉक यहाँ पे है जगह फिर रेट पे है बढ़िया तो फिर फास्ट चल रहे हैं तो नहीं तो चॉकलेट वाले रखी हुई हैं पीनट्स कर रहे हैं बिस्किट वगैरह भी हैं हर फ्लेवर के केक्स गुड डे ओरियो मेरा जो ऑल टाइम फेवरेट गुड डे ओरियो ओरियो है क्या लेना है ये सोप्स वगैरह का है डिटर्जेंट वगैरह किसी को डायपर लेना है तो डायपर ले सकते हैं यहाँ से आप पैंपर्स नंबर वन पैंपर्स हैं वाह ये कितनी प्यारी चीज़ें बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्यारी चीज़ें यहाँ पे मुख्य चीज़ें हैं लेकिन काफ़ी प्यारी चीज़ें हैं सुफाई ने बिल काउंटर पे पहुँच गए हम सामान रख के आप निकल रहे हैं यहाँ से देख पा रहे हो गुड ये काफ़ी पुलिस वाले हैं और वो आगे बुलेट वाला जा रहा है शोर करता हुआ कोई पूछने वाला है ही नहीं इनको कितनी गंदी रुकी कब तक बनेगी रोड मेरी
इतना लोड है गाड़ी में, तरह गुच्छे उतारते हैं हम। सो गाइस बाइक बाहर है तो भी लगानी इधर हमने, पता है बाइक अंदर तो कहा नहीं। सो फाइनली आज बाइक लगा दी अंदर हमने, क्योंकि बाइक होती है बहुत ज़्यादा दूर, इसी गाड़ी को अंदर लगाना पड़ता है। सो गाइस अभी हो चुके हैं 5:30, तो अभी जी घर में जो है अफ्तारी के लिए तैयारी चल रही है, क्योंकि अब टाइम जो है थोड़ा बच चुका है, तो 7 बजे अफ्तारी होगी, तो उससे पहले जो है हमने खाना तैयार करना है। तो अफ्तारी के लिए जो तैयार हो रहा है वो है मक्की रोटी साथ में लस्सी, तो सब्ज़ी वगैरह। तो अभी दिखाते हैं तंदूर में कैसे तंदूर तैयार कर रहे हैं वो भी, तो मक्की रोटी तैयार हो रही है वो भी। तो अभी फिलहाल सो गाइस तंदूर की तैयारी करते हुए पर लकड़ी लगा दी हमने तंदूर में, भरपूर भर के रखा हुआ है। तो अब आटा जो है मक्की का आटा ले लिया है, इसमें डाला है पानी आंटी ने, पानी के डालने के बाद इसको करना है मिक्स। मिक्स करने के बाद इसका बना डो, फिर डो की बनेगी हमारी मक्की की रोटी आके। तो अभी मिक्स कर रहे हैं आंटी, तैयारी करते हुए मिक्स की, तो मिक्स करना शुरू कर दिया आंटी ने। तो फाइनली गाइस मिक्स करके डो बना रहे हैं आंटी, देखो दबा दबा के, काफ़ी ताकत चाहिए इसको डो बनाने के लिए। सो डो बना के पेड़े से बना दी रोटी, अब हाथ से रोल करते हुए। तो जब तक आंटी बाकी रोटी बनाते हैं तब तक हम जल्दी से बनाते हैं उज़्मा को, तो वो लगाए के तंदूर को आग। एक बार ये रोटी बिल्कुल रोल रही है, हैंड से रोल कर रहे हैं साथ में पानी का इस्तेमाल करते हुए। तो उज़्मा आ चुकी है अभी, तो एक रोटी हमारी जो है तैयार हो चुकी है। तो गाइस अब तंदूर की हो रहा उद्घाटन, तो उज़्मा जो है अब आग लगाने लगी है। उज़्मा से आग नहीं लग रही, उज़्मा क्या कर रही तू, क्या किया, आग लगाई तूने, तूने आग क्यों लगाई? भाई देख पा रहे धुआं निकल रहा है, तो उज़्मा का मिशन जो है कामयाब हो चुका है, इसने आग लगा दी है। ये बड़ी लड़की बहुत ही आग लगाई है, तो ये जगह रखी है उज़्मा ने आग लगाने के लिए, तो यहाँ से आग लग चुकी है, उज़्मा ने आग लगा दी है। तो 3-4 रोटियाँ बन चुकी हैं, तो बाकी जो भी बन रहे हैं। तो फाइनली गाइस जो है आग जो अपने उरूज पे आ चुकी है, अब शोले जलने शुरू हो गए हैं, सब कमाल जो है उज़्मा का है। तंदूर में आग लग चुकी है, अब जैसे तंदूर गर्म होगा तो इसके बाद मक्की की रोटी लगानी है। मक्की रोटी लगाने के बाद फिर दिखाते हैं आपको फटाफट कैसे बनती है मक्की की रोटी। सो गाइस देखो कितनी आग बढ़ चुकी है, अब जो है तंदूर साइडों पे बिल्कुल लाल हो चुका है। सारी रोटी तैयार हो चुकी है, नेक्स्ट प्रोसीजर यहाँ पे चलने वाला है। अब तंदूर को आगे से करना लॉक हमने, ताकि इसकी हीट जो है बाहर ना जाए कहीं, ताकि हीट इसकी मेंटेन रहे। तो उज़्मा ने जो है जग लिया पानी का, ताकि जो हाथ कहीं जल ना जाए, तो सेफ्टी के लिए रखा हुए। सो सामान सारा आ चुका है, रोटियाँ भी आ गई हैं, तो अब तंदूर में लगानी है। अब तो गाइस एक रोटी हाथ में ले ली आंटी ने, तो अब जाके सीधी जाके लग गई जाके तंदूर के साथ, हाथ गीले करते हुए कहीं गर्मी के साथ हाथ जाना चाहिए। सो गाइस जब तक आंटी लगाते रोटी पूरी, तब तक वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो जब तक दिखाते हैं रोटी पूरी लगती हमारी तंदूर में। सो गाइस सारी रोटी लग चुकी हैं, एक एक करके सारी रोटी लगा चुके हैं अब। तो गाइस फाइनली रोटी ये बन के तैयार हो चुकी है, हमारे पास देख पा रहे हो आप, ये रोटी अब निकल के आ चुकी हैं, बाकी भी निकल रही हैं, तो वो भी तैयार हो चुकी हैं, तो दो तैयार हो चुकी हैं। तो गाइस दानी आता हूँ हमारे पास, दानी क्या कर रही है, तो बस तिवारी झूठ बोल रहा है, ऐसे झूठ नहीं बोलते। तो आमिर और दानी, तो साथ में आसिम भी आ चुकी है हमारे पास। दानी क्या हुआ है, झूठ बोल रहा है बाबा, झूठ क्यों बोल रहा है, टांग टूटी है, तो बस तिवारी कर। दानी आ चुका, दानी क्या हुआ तुझे, कैसे गिर लगी तुझे, चल के बता कैसे लगी है, बता मुझे। ओए होए काफी ज्यादा लगी है ना, क्या तकलीफ है इनको, अब दौड़ के बता, दौड़ सकता है ऐसे। तो सर मुंह भी खुल रहा है दानी, रोजा है आज आपको, रोजा नहीं है, अच्छा रोजा टूट गया है। आप मुझे बता कि जब तुमने रोजा रखा तो सुबह तो दिन को गिरा तो रोजा तेरा टूट गया, फिर जब रोजा टूटा था ना कैसी आवाज थी,
डम डम बात है थी। तो दानी का रोजा है डम, तो अब दानी को लगी भी गई है तो रोजा भी डम हो गया, बहुत नुकसान हुआ माज हमारे दानी का। सो कहा अभी हम रोटी का काम चल रहा था तब तक मेरे से दानी आ गया, तो दानी ने कहा कि लग गई टांग को, जैसे वीडियो आपको दिखाया मैंने, तो अब उसमें आमिर है तो साथ में आसिम भी है, तो हम दानी कुछ बोलना चाहता है, दानी क्या बोलना आपने? चैनल को करो सब्सक्राइब, चैनल को करो सब्सक्राइब, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। पहले मिलते पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दानी के जो दर्द है क्या करना है? इसके लिए आप जितना शेयर और सब्सक्राइब करोगे उतना दानी का दर्द ठीक हो जाएगा। बाय बाय टाटा सी यू। सो गाइस पार्टी टाइम हो चुका है, तो रोज़ा करने के बाद अल्लाह पाक का शुक्र है कि पहला रोज़ा मेरा हो गया, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।